बिहार के सहकारिता मंत्री और आरजेडी के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव यूं तो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी। सुरेंद्र यादव ने भारतीय सेना पर ऐसी टिप्पणी की जिससे न तो बताया जा सकता है न ही सुनाया जा सकता है। ठीक आज से 8.5 साल के बाद देश का नाम आवेगा के फौज, ये मैं बोलता हूँ। 100 में 100 गलत है, जो ये प्रस्ताव लाया उसको फांसी पर चढ़ाओ। इतना ही नहीं, सुरेंद्र यादव ने तो यहाँ तक कहा कि अग्निवीर योजना जिसके दिमाग की उपज है उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। सुरेंद्र यादव की गिनती नीतीश कैबिनेट के पावरफुल मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी के करीबियों में होती है, इसलिए सुरेंद्र यादव के बयान से महागठबंधन भी टेंशन में है, जबकि बीजेपी कह रही है कि मंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, यह दुर्भाग्य है और मैं सीएम नीतीश कुमार जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मंत्री को इमीडिएट बर्खास्त करना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए और ऐसे मंत्री की अरेस्टिंग होनी चाहिए।